अगर आप एक पीएफ मेंबर है तो ये वीडियो खास आपके लिए। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, देखिए जब भी आप अपने यूएन नंबर को एक्टिवेट करते हैं तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का एरर आया है। स्क्रीन के डैशबोर्ड पे आप साइड में देख सकते हैं, ये एरर जो दिखा रहा है ना, या तो आपके डेट ऑफ बर्थ या आपका नाम कुछ ना कुछ आपका मिसमैच है, आपके आधार कार्ड से आपके पीएफ अकाउंट में ये डिटेल बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही। ये आपको मैं क्लियर करता हूँ, जो आपको एरर दिखा रहा है ना, ये एरर साफ साफ ये दिखा रहा है आपके आधार कार्ड से आपके पीएफ अकाउंट से ये डिटेल बिल्कुल मैच नहीं हो रही। आखिर ये प्रॉब्लम कैसे हो गई और क्यों हो गई है? देखिए अगर आपने अपने पीएफ अकाउंट में जो ये डिटेल डाली है, या तो आपके पीएफ कंपनी ने आपकी डिटेल इसमें गलत डाल दी आपके पीएफ अकाउंट में, या आपके आधार कार्ड में ये डिटेल गलत है। तो अगर आप इस डाउट को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा तो आप भी सीख जाओगे यूएन नंबर को किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। यानी आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लोगे तो आप अपने यूएन नंबर को एक्टिवेट कर लोगे। ये एरर है ना, एरर आपके सामने बिल्कुल नहीं आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आने वाली हमारी कोई भी नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन करना है और गूगल में आपको टाइप करना है IWEPFO। उसके बाद आपको पहले नंबर पे इसकी वेबसाइट आएगी, आपको यहीं पे ओके करना है। अब आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा तो आपको देखिए नीचे की साइड आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर COC, आपको इसी पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना यूएन नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये वाला सेम कैप्चा आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे ओके करना है। अब आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा तो देखिए यहाँ पे आपको मेंबर आईडी का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको अपनी कंपनी की मेंबर आईडी सिलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों अब आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा तो अब आपको यहाँ पे डाउट क्लियर होगा आखिर आपके पीएफ अकाउंट में डिटेल क्यों मैच क्यों नहीं हो रही है। तो देखिए आपका जो नाम है पीएफ अकाउंट में यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपके पीएफ अकाउंट में नाम सही है या गलत, अपने आधार से आप मैच कर लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ देख लेना आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ बर्थ आखिर क्या डाल रखी, सही है या गलत। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपके नाम और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर सकते हैं, यहाँ से अपना जेंडर भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे तो आप देखिए यहाँ पर कंपनी का आपको पूरा एड्रेस भी मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए आपकी पूरी कंपनी का एड्रेस मिलेगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा आखिर आपके पीएफ अकाउंट में कंपनी ने क्या नाम और डेट ऑफ बर्थ डाली, आखिर ये मैच क्यों नहीं कर रही है। तो देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से तो आपको कंफर्म हो जाएगा आखिर आपके पीएफ अकाउंट में डिटेल क्या डाल रखी है। तो ठीक है अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। देखिए दोस्तों आपके अपने यूएन नंबर को एक्टिवेट करने के लिए आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है ऑफलाइन, जो आपके पीएफ अकाउंट में जो नाम जो डेट ऑफ बर्थ जो आपका मिसमैच है वो आपका यहीं से ही ठीक होएगा। तो किस तरीके से आपको इस फॉर्म को फिल करना है पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों किस तरीके से फॉर्म को भरना है, देखिए सबसे पहले आपको जो डेट का ऑप्शन मिलेगा ना, यहाँ पर आपको अपनी डेट डालनी है जिस डेट में आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है उसके बाद आपको नीचे की साइड आना है, यहाँ पर आपको ये वाला जो ऑप्शन मिल रहा है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, यहाँ पर आपको अपने ऑफिस का नाम डालना है पीएफ ऑफिस का। ठीक है दोस्तों जो आपके शहर में पीएफ ऑफिस बनाया गया है उस ऑफिस का आपको यहाँ पे नाम डालना है अपने पीएफ ऑफिस का। ठीक है अब आपको देखिए नीचे की साइड आना है, ये देखिए सब्जेक्ट जो ऑप्शन मिल रहा है ना DSR, यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम एंटर करना है जो आपके आधार में है। उसके बाद आपको नीचे आना है, ये जो दूसरा सेक्शन मिलता है यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम एंटर करना है। उसके बाद देखिए देखो दोस्तों नीचे आना है, जो आपके पीएफ अकाउंट में जो नाम है तो वो क्या गलत है या सही, देखिए आपको यहीं पे फिलअप करना है। किस तरीके से करना है, देखिए आपके जो आधार कार्ड में नाम है वो अगर सही है तो ये करेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको अपना आधार से मैच करके अपना नाम यहाँ पे एंटर करना है। जो आपके पीएफ अकाउंट में जो नाम गलत दिखा रहा है उसमें तो ये रॉन्ग का जो ऑप्शन दिखा रहा है ना, तो यहाँ पर आपको वो गलत नाम एंटर करना है। उसके बाद देखिए नीचे की साइड आइए, देखिए डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिलेगा, आपके आधार में जो सही डेट ऑफ बर्थ है तो आपको यहाँ करेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद जो आपके पीएफ अकाउंट में जो गलत डेट ऑफ बर्थ है वो आपको रॉन्ग का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है दोस्तों इतना करने के बाद आपको देखिए नीचे की साइड आना है, अब देखिए आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे आपको अपना साइन करना है, आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पे करने हैं। उसके बाद देखिए नेम ऑफ अथोरिजेशन सिग्नेचर, यहाँ पे आपको अपने पीएफ जो आपके कंपनी में HR ऑफिस होता है अपने HR के यहाँ पे आपको साइन करा लेना है। अगर आपके HR में वो साइन नहीं करते हैं तो देखिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है सिग्नेचर विद, यहाँ पे आपको अपने जिस आधार कार्ड से आपका बैंक लिंक है तो आपको बैंक में जाके वहाँ से सिग्नेचर करा लेना है, या वहाँ से आपको अपनी बैंक से उसकी मोहर लगवा लेनी है। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपको अपने पीएफ के
जहाँ पे आपने पीएफ का जो ऑफिस है उस ऑफिस में जाके आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। और उसके लिए आपको देखिए यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई कराने होंगे। देखिए डॉक्यूमेंट की आपको यहाँ से आईडी प्रूफ लेके जानी, यानी आपको फोटोकॉपी आपको यहाँ से लेके जाना है आईडी प्रूफ के लिए। तो यहाँ से आप दोस्तों अपना पैन कार्ड ले जा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ले जा सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, या आधार कार्ड। तो मैं आपको बताऊँ, देखिए आपका जो आधार कार्ड में डिटेल सारी मैं बिल्कुल सही है, तो आप आधार कार्ड ही लेके जाइए। वैसे आप इनमें से भी और डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं। तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ लेके जाना है और आपको अपने पीएफ ऑफिस में ले जाके वहाँ पे इसे जमा करा देना है। तो वहाँ पे आपका ये वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपके अपने यूएन नंबर को आपको एक्टिवेट कर देंगे और आपके जो पीएफ अकाउंट में जितनी भी डिटेल गलत है, नाम और डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ वो यहाँ से सही कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वाले फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे इसका प्रिंट निकलवा लेना। आई होप आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।